हिमाचल चालक परिचालक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को संग्राह विश्राम गृह में हुई। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलाराम ठाकुर व पदाधिकारियों ने विभिन्न सरकारी संस्थानों में टैक्सी प्रथा को बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने हिमाचल के सरकारी संस्थानों व विभागों में सरकारी गाड़ियों की जगह निजी टैक्सी चलाने की प्रथा को चालकों को बेरोजगार करने वाला फैसला बताया। इसके अलावा विभागीय रिकॉर्ड में बेलदार के पद पर कार्यरत लाइसेंस शुदा चालकों को बतौर ड्राइवर नियुक्त किए जाने की भी मांग उठाई। बैठक में उमेश शर्मा, अनिल गौतम, बुद्धि सिंह बुशहरी व नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष मान सिंह, सदानंद कमल आदि मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष चालक और परिचालक हमने यहाँ जिला सिरमौर की इकाई संगड़ा में जिला स्तरीय मीटिंग रखी और सारे यूनिट के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हमारे प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और सारे मेंबर जितने भी थे चालक परिचालक आसन बंधु भाई सारे हाजिर हुए। और कुछ एक मजबूरी पे रह जाते हैं तो उसमें काम की वजह से रुक जाते हैं वो उसका कुछ, और जो इनकी जो डिमांडें होगी जो मांग होगी वो हम सरकार के पास रखेंगे और हमें आशा पूर्ण है कि सरकार उनको सुनेगी और उसमें गौर करेगी। और तो हमें विश्वास, चेयरमैन जिला सिरमौर, आज स्टेट की जो बॉडी आई थी, जो स्टेट के हमारे प्रधान और अध्यक्ष चालक महासंघ के प्रधान और अध्यक्ष, इनके सामने हमने सिरमौर की जो भी हमारी चालक परिचालक की समस्याएं थी वो हमने रखी हैं और सरकार के पास इनके माध्यम से भेजनी है। और पहले भी हमारे बहुत सारे काम जो चालक परिचालक महासंघ के पूर्ण हुए हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जितनी हमारी जो समस्याएँ हमने इनको बताई है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए संग्राह से जय प्रकाश की रिपोर्ट।